सो हाय गाइस, दिस इज निशा, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो भाई, अपने एक भाई ने गेमिंग क्लब खोला हुआ है डीटीओ के पास में, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट करा हुआ है। आज चलते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा क्लब है कैसा नहीं है, और बाकी स्टार्टअप ही है उनका। और बाकी बातें यार अभी चलते हुए करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा रेडी वगैरह हो जाते हैं, नहा धो के मिलता हूँ मैं आप सबको डायरेक्ट वहीं पर। ठीक है, तो आओ फिर चलते हैं। तो भाई, अभी हम लोग खड़े अपनी लोकेशन पे, और ये दिखा दूं मैं कि जो हमारा डीटीओ है इधर, तो ये डीटीओ के जस्ट एकदम 100 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे जैसे ही आप आओगे डीटीओ के सामने से, तो वो इधर सामने देखो, ये ट्रू वैल्यू है। तो ये ट्रू वैल्यू के जस्ट एकदम सामने ही है आपका, मतलब सेकंड फ्लोर पे है। ठीक है, तो भाई अब हम लोग चलते हैं ऊपर और देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी गेम्स है, और आप सबको भी दिखाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखना, तो आप सबको ऑफर्स भी बताएंगे हम कि कौन कौन से आपको ऑफर्स मिलेंगे। और जो डीटीओ स्टूडेंट्स है उनके लिए खासकर ऑफर है, तो डीटीओ वाले बंदे भाई लास्ट तक देखना वीडियो। तो आओ चलते हैं फिर। तो भाई, अब हम लोग आ गए ऊपर और चलते हैं, अब देखते हैं कि अंदर कौन कौन सी गेम्स है। ठीक है, और आप सबको पहले मैं यहाँ के ओनर से मिलवाता हूँ, वही आपको इसका पूरा ओवरव्यू देंगे। ठीक है, तो आओ चलते हैं फिर। तो भाई, इधर के ये ओनर है हमारे। हेलो भाई, बढ़िया बढ़िया। बताओ भाई, यहाँ का पूरा ओवरव्यू दो एक, कि यहाँ पे मतलब क्या रेट्स वगैरह है और कौन कौन सी गेम्स है, क्या क्या है, सारा ओवरव्यू दे दो। तो भाई, हमने स्टार्टिंग किया है स्नूकर और पूल से। 8 बॉल्स गेम होते हैं, जैसे आप ऑनलाइन भी खेलते हो, और स्नूकर गेम भी है। बेसिकली इसको हर कोई खेल लेता है, ऐसा नहीं है कि कोई एज लिमिट नहीं है। स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, बिग एज के बंदे भी आते हैं। एक छोटा सा सेटअप है, मैं आपको चलिए ओवरव्यू देता हूँ, आ जाओ। तो अब मैं आप लोगों को ओवरव्यू देता हूँ। तो यहाँ पर है हमारा पहला पूल टेबल। इसके बेसिकली रूल्स क्या होते हैं, इसमें दो टाइप की बॉल्स होती हैं, एक सॉलिड एक स्ट्राइप। बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट शॉट जब आप लेते हो तो आपका या तो सॉलिड जाता है स्ट्राइप जाता है। जो अगर आपका सॉलिड आ गया तो सॉलिड निकालनी है। लास्ट में एंड बॉल जो होती है वो ब्लैक बॉल होती है, जो ब्लैक बॉल डालता है वो विनर होता है। ये एक छोटा सा प्रीव्यू है। फिर अब हम आते हैं सेकंड टेबल पर, ये है स्नूकर। स्नूकर के भी रूल्स हैं काफी ज्यादा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी बॉल्स हो गई, ठीक है, इसके होते हैं 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट्स, ब्लू के 5 पॉइंट्स, इसके 6, पिंक के, ब्लैक के 7। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमें व्हाइट बॉल से रेड को हिट करना होता है। ठीक है, रेड को हिट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कोई भी एक बॉल पॉट में डालें, इनको पॉट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा थर्ड टेबल है, यहाँ पे भी पूल ही है। एक छोटा सा सेटअप हमने तैयार कराया है पूल के लिए। यहाँ पर हमने लाइट्स लगवाई है, किसी को मान लो फोटोशूट करवाना हो, यहाँ पे हमारी नई स्टिक्स है। और ये जो पूल बनवाया है हमने, ये हमने हैंडमेड बनवाया है इटालियन मार्बल पे। स्नूकर है वो भी इटालियन मार्बल पे है। यहाँ पे एक डेकोरेशन के लिए हमने यहाँ पर एवेंजर्स लगाए हैं, छोटे छोटे, आप ही देख ही सकते हो, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क। तो इसके बाद हम आते हैं स्कोर बोर्ड पे। ये होता है स्नूकर का स्कोर बोर्ड। कोई रेड बॉल डालता है तो उसका 1 पॉइंट यहाँ पर आ गया। उसके बाद जैसे जैसे वो पॉइंट्स लेता जाता है, उसके पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं ऐसे। जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो विनर होता है इसमें। यहाँ पर हमने डार्ट भी स्टार्ट करा है, जो कि बेसिकली एक फन लविंग गेम है। यहाँ पे खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं। और अब मैं आपको आपके एक रेट्रो चाइल्डहुड में लेके जाता हूँ। आपने सभी ने बचपन में गेम्स खेले होंगे, टेकन 3, टेकन टैग, मुस्तफ़ा, मारियो। तो मैं आपको लेके चलता हूँ न्यू वर्जन में, ये देखिए। मतलब ये बहुत बचपन में गेम्स खेली थी, आज के बाद मतलब कभी ये देखने को मिला नहीं उसके बाद से। ये बचपन में कॉइन वॉइन डाल के खेलते थे, अब तो मतलब ये कहीं दिखता भी नहीं है। ये देखो कैसे भाई ने पहले वो लगा रखा है, ये देखो, ये जॉयस्टिक वाला है ये पूरा। और यहाँ पर जो ना हम टेकन टैग खेलते हैं, प्लेयर चेंज करके खेल सकते हैं। गॉड ऑफ वॉर वगैरह सब है इसमें, मैं आपको चला के दिखाऊंगा। और ये है सिटिंग एरिया हमारा, जैसे कोई बंदा आता है तो बैठ सकता है यहाँ पे, रेस्ट कर सकता है। और एक गेम हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारा गेम बॉक्स है। इसके अंदर हमारे पास अवेलेबल है 2500 गेम लगभग, उसमें हर टाइप का गेम है। जैसे मैं आपको मुस्तफ़ा चलाकर दिखाता हूँ, ये देखिए, बचपन में हम सब ने खेली हुई है। तो ये जो हैं ये भाई हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये कितना टाइम से खेल रहे हैं और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरे क्लब में। तो भाई, बड़े भाई ने खुला हुआ है स्नूकर, तो भाई 2 दिन हो चुके हैं हमें, मतलब 2 दिन से आ रहा हूँ मैं, 3-4 घंटे, पता नहीं चलता टाइम कब निकल गया। आप भी आओ,
मस्त है ट्रू वैल्यू के सामने। तो आइए अब अपना दूसरे भाई से रिव्यू लेते हैं। तो भाई आप बताओ, आपको टेबल कैसी लग रही है यहाँ पर और जो शॉट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? भाई मजा आ रहा है खेलने में, टेबल अच्छी है, पत्थर तुमने अच्छी क्वालिटी का यूज किया हुआ है इसलिए बॉल अच्छी स्पिन हो रही है इस पे। भाई पूल के साथ साथ ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास, मल्टीपल टाइप्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हम हार्ड ड्रिंक्स को सपोर्ट नहीं करते। तो जैसे स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल है थम्स अप और फैंटा और वाटर बॉटल्स भी अवेलेबल है, मैकडोनल्ड कंपनी का अच्छा पानी है। और फिलहाल हमने जो है यहाँ पे तिरंगा भी लगाया हुआ है जिससे कि आई प्राउड टू बी एन इंडियन वाली फीलिंग आती है। और फिलहाल हमने न्यू ऑफर निकाला हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स हैं DTU के अगर वो अपना आई कार्ड दिखाते हैं तो एक घंटे के साथ जब वो पैसे देते हैं तो उनके वेलकम ड्रिंक्स के साथ वो कोई भी एक सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं। तो यानी कि 180 इसका प्राइस है विद सॉफ्ट ड्रिंक वेलकम ड्रिंक फॉर DTU स्टूडेंट। और स्नूकर का प्राइस है 220। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनके चार्जेस। ये प्ले स्टेशन है प्रॉपर, इसके अंदर प्ले स्टेशन रखा हुआ है मैंने, तो इसका हमने प्राइस रखा हुआ है टेक एंड टैग का रखा हुआ है 10 रुपए के 3 कॉइन्स, ठीक है। तो इसमें कॉइन्स वाला सिस्टम है। ये हमारे पास रिमोट्स अवेलेबल है प्ले स्टेशन के, सोनी के ओरिजिनल। अगर आपको रिमोट से खेलना है तो उसका है 50 रुपीज पर हाफ एन आवर, ओके 100 रुपीज पर आवर। और इसका भी सेम प्राइस है, इसमें हमारी 2500 रेट्रो गेम्स हैं। अगर आप ये खेलते हैं तो इसमें कॉइन्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 रुपए में आधा घंटा और 100 रुपए में एक घंटा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट, बस फर्स्ट यू हैव टू शो योर आईडी कार्ड एट माय काउंटर। तो भाई अब बहुत सारी बातें हो गई, ठीक है, अब आप सबको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पता लग गई होगी। तो आओ फिर चलते हैं और फिर खेलते हैं और देखते हैं कि कैसी गेम है ये, ठीक है, फर्स्ट टाइम ही खेल रहे हैं वैसे। आओ चलो चलते। तो भाई अब हमने सारी गेम्स वगैरह खेल ली यहाँ पे और बाकी सबसे भी हमने पूछा सबका एक्सपीरियंस वगैरह कि सब लोग बाहर खेलते थे तो उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है। और बाकी मैं एक बार यहाँ के ओनर से फिर से आपसे बात करवा देता हूँ। तो भाई बेसिकली यहाँ के जो पूल के जो चार्जेस है वैसे मार्केट में तो काफी ज्यादा है, पर हम बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रख रहे हैं 180 रुपीज पर आवर। आप एक टेबल पे 4 बंदे मैक्स खेल सकते हैं, ठीक है। और स्नूकर के जो चार्जेस है बाहर भी काफी ज्यादा है, हमने इतना इसका चार्ज बहुत ही ज्यादा नॉमिनल रखा हुआ है 220। और अगर कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को खेलना हो तो वो भी अलाउड है, अगर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो अलाउड है DTU के। तो मतलब एक वो नहीं है बैरियर नहीं है कि इतने इतने टाइम तक खेलना, स्टूडेंट्स के लिए बैरियर नहीं है। अगर वो थोड़ा एक्स्ट्रा भी खेलना चाहते हैं, पैसे कम है तो मैं हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मेरा नंबर होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको गेम के बारे में पूछना हो या कोई भी आपको स्पेशल गेम खेलनी हो तो वो भी मैं यहाँ पर अरेंज करवा दूंगा। चलो ठीक है भाई, फिर बढ़िया था वैसे एक्सपीरियंस, ठीक है। अब चलते हैं भाई घर और फिर उसके बाद मैं आप सबको बाकी की बातें बाद में बताता हूँ चलते हुए, ठीक है। तो आओ चलते हैं। तो भाई इसके बाद फिर मैं घर आ गया था और यार एक्सपीरियंस वैसे मेरा बहुत ही बढ़िया था उधर। मैं तो बोलूंगा कि आप सबको भी विजिट करना चाहिए और जो DTU के जो स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, भाई जरूर से जाना। और यार अगर मेरे रेफरेंस से जाओगे तो क्या पता थोड़ा बहुत और डिस्काउंट मिल जाए आप सबको। और आप सब बताना यार कमेंट्स में कि आप सबको वीडियो कैसी लगी और कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, क्या चीज़ें मुझे अपनी वीडियो में ऐड ऑन करनी चाहिए, तो ये सब भी आप कमेंट्स में बता सकते हो मुझे, ठीक है। बस यही थी अपनी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।